वेलकम, गुड इवनिंग शो सुन रहे हैं आप एक सिप गॉसिप रफत आपके साथ। आज सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सड़कों पर सन्नाटा रहा और लोगों के मन में जो जिम्मेदारी का भाव देखने को मिला, वोट डालने इतने सारे लोग गए तो हवा में कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम और जिम्मेदारी, कर्तव्य, अधिकार ये ज्यादा घुला मिला मुझे नजर आया। तो चलिए इसी बहाने कुछ पोल्यूशन कम हुआ तो एक जिम्मेदारी तो आप सुबह निभा चुके हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी जो आपको रोज निभानी है वो है लखनऊ की हवा को साफ सुथरा बनाए रखना। 94.3 बिग FM presents #हवा आने दे इन एसोसिएशन विद शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी। और आज लखनऊ की हवा को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हमारे साथ हमारे शो में आज के हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर भारत राज सिंह, एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डेडली इम्पैक्ट एयर पोल्यूशन का पड़ रहा है हमारे आस पास एनवायरमेंट में चारों तरफ? कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इसको अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो ये आप समझिए कि विश्व में 20 अगर सिटीज शहर उसमें आके जाए तो इंडिया का नंबर उसमें 16 मिनिमम शहर आते हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित है। नोएडा है, आपका दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, ये सारे शहर इसमें गिनती में आते हैं अगर देखा जाए तो। इनका मुख्य कारण इसको जानना आवश्यक है कि ये है क्या चीज। अगर आप देखें तो वायु में छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के भी कण होते हैं, धुएं के भी कण होते हैं, अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन के भी कण होते हैं, ये सब कण मिल करके फिर ग्रीन हाउस गैसेस अपने में एक बहुत खतरनाक है जैसे आप क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं। तो अगर इनको देखा जाए तो एक समय आता है हमारे यहाँ भारतवर्ष में बरसात के बाद शरद ऋतु का जब आगमन होता है तो उस बीच में हमें अक्सर ये होता है, बातें चलती हैं कि यार दिवाली आ गई, दिवाली में पटाखे जलेंगे, उधर खेती बाड़ी का दूसरा सीजन आ रहा तो जो पहले पराली पड़ी है उसको जल रहा है और यही कारण लेकर के सब यहाँ इस्त्री कर देते हैं। मेरा कहना है ये नहीं है। अगर आप इसको देखें तो पूरे विश्व के चारों तरफ जो हमारे इस प्रदूषित कण हैं वो जा करके 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर वो सेटल हो जाते हैं और शरद ऋतु आते ही वो उसके कणे रात में जब नीचे आते हैं तो उसके दबाव से वो कण फिर नीचे आ जाते हैं और वो नीचे आ जाते हैं इतनी मात्रा में आ जाते हैं कि PM 2.5 और PM 10 दो पर्टिकुलर मैटर 2.5 मीन्स 2.5 माइक्रोन उसको माइक्रोमीटर से देखें 2.5 इतने व्यास के छोटे जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं वो अगर शरीर में चले जाते हैं तो उससे लंग और आपका बिल्कुल चोकअप होता है जिसमें हवा रुकती है तो इससे तो आपके आगे चल करके लंग खराब हो जाते हैं, किडनी खराब होती है, लिवर खराब होते हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं। वापस आएंगे तो हम सर से वो उपाय जानने की कोशिश करेंगे जो अभी तक आपको नहीं पता होंगे, बिल्कुल अनोखे यूनिक उपाय जिस पर हम और हमारे प्रशासन दोनों को ध्यान देना चाहिए। सुनते जाइए बिग FM, धुन बदल के तो देखो। वेलकम, गुड इवनिंग शो सुन रहे हैं आप एक सिप गॉसिप रफत आपके साथ। लखनऊ की हवा को साफ सुथरा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी, जैसे कि आज आपने जिम्मेदारी निभाई वोट डालकर। 94.3 बिग FM presents #हवा आने दे इन एसोसिएशन विद शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर भरत राज सिंह, एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। अच्छा सर, हम इंडिया में तो लोग कहते हैं कि अरे 250-300 AQI लेवल है भी ठीक है, दिल्ली जितना बुरा तो नहीं है ना, लेकिन हम फिर भी कितने पोल्यूशन के बीच में उस चैम्बर में बैठे होते हमें नहीं पता होता। आपने कोई ऐसी कंट्री देखी है जहाँ पर AQI लेवल बहुत ही ज्यादा हमारी उम्मीद से भी ज्यादा कम हो? मैं 2-3-4 कंट्री का हमेशा रिकॉर्ड भी करता हूँ और मैं गया भी हूँ, अमेरिका भी गया हूँ और ऑस्ट्रेलिया भी। ऑस्ट्रेलिया की विजिट मेरी अभी 2018 की थी और मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पर AQI लेवल देखे PM 2.5 कहा गया 50 होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। और अगर आप वहां देखें तो AQI लेवल 13 है, कभी 13 है से 20 तक में नजर आया। और एक वाक्य आपको बता दूं घटना कि मैं कहीं निकल रहा था, वॉकिंग पर ही था तो अपने बच्चे के साथ, तो मैंने देखा कहीं से स्मेल आ रही सिगरेट की, तो मैंने पूछ लिया कि भाई यहाँ कहाँ कोई दिख नहीं रहा है सिगरेट की स्मेल, तो उसने कहा 5 मीटर दूर पर कोई छिप करके सिगरेट पी रहा।
अब एग्जैक्टली मैं गया हूं तो 5-6 मीटर दूरी पर एक छिप करके कहीं पर एक सिगरेट पी रहा, तो इसका मतलब है कि आप कितना अच्छा एयर क्वालिटी है, ऑक्सीजन की क्वालिटी और कितनी अच्छी होगी। ऐसे और कंट्रीज में है, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है जब गर्मी आ जाती है धूल लक्कड़ ये सब धीरे धीरे नीचे से, धूल तो नीचे से लोगे, बाकी चीजें जो है कंटेंट वो गर्मी में ऊपर उठ जाते हैं, ये जितने कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रस ये सारी चीजें ऊपर चले जाती है, तो ये वाई लेवल कुछ कण कम हो जाते हैं। लेकिन अब इसको सही माने में अगर देखा जाए तो इसका उपाय ढूंढना है। सीरियसली 13 AQI लेवल जनाब, 13 AQI लेवल, ऐसा लग रहा है कि आरओ वाटर जैसे हम घर में पीते हैं ना, ऐसे वहां पर आरओ एयर मिल रहा है छन के बिल्कुल। तो कुछ ऐसा हम भी कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं हम और प्रशासन मिलके, ये जानेंगे जब लौट कर आएंगे प्रोफेसर डॉक्टर भरत राज सिंह जी से। सुनते जाइए बिग FM धुन, बदल के तो देखो।